गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरी ओल्ड कुर्ती है जिससे मैं आज री यूज़ करूँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो ये जो कुर्ती है इसके ऊपर ये देखिए इस तरह से वर्क किया हुआ है और इस तरह से लेस लगी हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेस को रिमूव करूँगी और लेस के साथ ही इसके साइड जो स्लीट से जो साइड में फैब्रिक फोल्ड किया हुआ है उसकी स्टिचिंग निकालूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये स्टिचिंग निकाल देती हूँ और उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। तो इस तरह से निडल की हेल्प से मैं इसको निकाल लूँगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह से वीडियो रेगुलरली मिल सके। तो ये देखिए लेस को मैंने निकाल दिया है और उसके साथ ही मैंने साइड की स्टिचिंग भी निकाल दी है। उसके बाद स्टिचिंग निकालने के बाद मैं सीजर की हेल्प से इस कुर्ती को सेंटर से बीच में इस तरह से कट कर लूँगी। तो इस तरह से मैं इसे यहाँ से पहले कट कर लूँगी। जो लेस हमने निकाली है उसका यूज भी हम इसमें करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब स्टिचिंग निकालने के बाद ये देखिए इसको सीधा करने के लिए फोल्डेड पार्ट को सीधा करने के लिए हम इस पर आयरन करेंगे। तो ये देखिए प्रेस हमने इसके ऊपर लगा ली है और ये बिल्कुल सीधा हो गया है। अब ये वही लेस है जो हमने कुर्ती के नेक के ऊपर से रिमूव करी थी। इस लेस को अब हम इसके ऊपर इस तरह से लगाएंगे। तो हमें कॉर्नर से स्टार्ट करना है, तो कॉर्नर से हमें लेस को लगाना स्टार्ट करना है। तो ये देखिए इस तरह से हमें इसे एक एक करके लगा लेनी है। एक्स्ट्रा को हम कट करते रहेंगे और उसे आगे से लगाना स्टार्ट करते रहेंगे। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस मिल सके। सो ये देखिए हमने इसके ऊपर स्टिचिंग लगा ली है। एक पार्ट को हमने ओपन रखा है, अब इस ओपन पार्ट से हम इसको पलट कर सीधा कर देंगे। तो ये देखिए हमने इसको सीधा कर लिया। अब सीधा करने के बाद जो पार्ट ओपन था उससे हमने इसमें वेस्ट जो भी कतरन पड़ी थी उसको इसमें भर दिया है और वेस्ट कतरन को इसमें डालने के बाद जो खुला पार्ट था उसको हम बंद कर देंगे। और बंद करने के बाद ये देखिए हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल कुशन बनकर रेडी हो गया। आप इसे सोफे पे रख के भी डेकोर कर सकते हैं। गाइस आई होप आपको मेरा आज का आइडिया पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपके हेल्पफुल आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप भी इस आइडिया को ज़रूर ट्राई कीजिए।